ये जो 15 अगस्त आप मना रहे हैं इस साल से, ये शिवाजी नगर के लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं देखो, सबसे पहला मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 90% मुस्लिम आबादी है, और बहुत जगह पे लोगों का ये था, जैसे आप बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, बहुत सी ऐसी तंजीमें का ये था कि मतलब मुसलमान के दिल में देश प्रेम नहीं है, हमारे अंदर भरपूर देश प्रेम है, देश के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, हमारे वतन के लिए, हमारे हम ये मिट्टी से और ये मिट्टी में हमें जाना है। पूरे मुंबई में नहीं होता है, पूरे मुंबई में इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं होता है, इतना 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, 26 जनवरी हजारों के तादाद में आते। अभी यहाँ पे 12 बज रहे रात के, देखो अभी से कैसी भीड़ लगी है, देखो पूरी भीड़ लगी है, कैसी भीड़ लगी, खाली इंतजार में, कल के इंतजार में पूरी भीड़ लगी है। ये इन भीड़ लगने का वजह ये है कि सबके दिलों में मोहब्बत है देश के लिए, सब मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, सब मिल के हम लोग यहाँ पे मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ सभी मुसलमान भाई को, सभी हिंदू भाइयों को, कि भाई अमन और शांति से मनाई, एक दूसरे से ये एक अमन और शांति का ये झंडा है, ये झंडे को पकड़ के चले, ये फिरकेबाजी में जो तिरंगा है इसको तिरंगा ही होना चाहिए, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, दलित भाई भी, हर कोई है इसमें, ये तिरंगा को पकड़ के चलो, और इंशाल्लाह हमारा देश पहले भी आबाद था, अभी भी आबाद है और आगे भी आबाद रहेगा इंशाल्लाह, और बुरी नज़र से दूर रहेगा हमारा देश।